चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर NIRF रैंकिंग 2022 में देश के टॉप यूनिवर्सिटी में 29वां रैंक हासिल करने में सफलता हासिल की है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देश की सबसे युवा यूनिवर्सिटी बन गई है, जो देश की 30 यूनिवर्सिटी में शामिल है। इस उपलब्धि पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब और चंडीगढ़ की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी स्थापना के 10 साल बाद ही वैश्विक रैंकिंग, राष्ट्रीय रैंकिंग, NIRF और NBA में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर के टॉप यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बनाई है। भारत सरकार वालों नैशनल रैंकिंग जी अनाउंस की जाती है, कल अनाउंस की गई है और उस रैंकिंग दे विच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जी है वो पंजाब दी नंबर वन इंस्टीट्यूशन जी बनी है। हालांकि रैंकिंग पंजाब दी नहीं है, नैशनल रैंकिंग है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 29th रैंक हासिल किया। सारिया ही यूनिवर्सिटियां जड़िया ने प्राइवेट सरकारी मिला के देश दिया जिन्या भी यूनिवर्सिटीज ने जड़िया उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 29th रैंक रही है। एक 10 साल पुरानी संस्था के वास्ते यह रैंक हासिल करना, क्योंकि 29th के जेडे आस पास जिन्या भी इंस्टीट्यूशन ने वो बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन ने और इस दे नाल ही ओवरऑल रैंकिंग जी 29th यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। लेकिन अगर IITs और बाकी इंस्टीट्यूशन असं मिला लिए जो यूनिवर्सिटीज नहीं भी है, ओवरऑल दे विच साडी जिहड़ी रैंकिंग है वह 48 रही है पूरे भारत दे विचों। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देश दियां टॉप 30 यूनिवर्सिटी च शुमार हुई है। सैनल यूनिवर्सिटी के चांसलर ने सतनाम सिंह संधू साहब संसद पहलू बहुत बहुत मुबारकां जी। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सर। 10 साल पहलां तुसीं इह सफ़र शुरू कीता सी, 10 साल दे पूरे सफ़र च किन्नी मेहनत सी? सुभाविक है जी, मेहनत तो बहुत करनी पई है, लेकिन मेहनत मैं कल्ले ने नहीं की। मेहनत करने वास्ते मेरे साथी, मेरे वाइस चांसलर, मेरे डायरेक्टर्स, डीन्स, अध्यापक, टीचर, बच्चे, विद्यार्थी सारे, इस सारे की मेहनत का नतीजा हैगा कि ये तुसी देखोगे कि देश दियां टॉप 30 यूनिवर्सिटी च आना वड्डी गल है, पर 10 साल पुरानी संस्था वाले आना तो इम्पोसीबल जहा कम है। वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिस्से आया, नसीब होया और मैं इनू एक बेमिसाल प्राप्ति, अहम प्राप्ति मनदा और अपनी पूरी टीम नूं इस गल वास्ते बधाई देनी चाहुंदा। बेमिसाल प्राप्ति तुसी क्या की मानते हो कि जिम्मेदारी हुण कि कितने 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 होर भी वध गई है? नहीं, सुभाविक है जी, जदों समाज थानू कोई रुतबा दिंदा है तो वह नाल थानू रुतबे दे नाल थानू एक जिम्मेवारी का एहसास दिंदा है। वह जिम्मेवारी का एहसास सानू हो रहा है कि अगर असी चोटी दियां 30 यूनिवर्सिटियां विच असी शुमार होए हैं तो सानू होर बेहतर काम करना। और एक कारण होर भी है कि ये रैंकिंग एक साल वास्ते है, हर साल नवी रैंकिंग आती है। अगर मैं चंगा काम नहीं करूँगा मैं पिछे चले जाऊँगा, कोई होर आके मेरी जगह ले लेगा। अगर मैं होर चंगा काम करूँगा मैं इस तो अगे चले जाऊँगा। तो जे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 29th रैंक पर आई है, इसका मतलब ये है कि पिछले साल जो 29th से इस बार है नहीं, हो या तो अगे चले गया ज पिछे चले गया। तो ये रिलेटिव जिहड़ा हैगी आ कॉम्पीटिशन दे विच ये रुतबा हासिल होंदा और इहदे वास्ते जागदे रहना पैंदा और होर चंगा काम करना। तुसी मुकाम हासिल किया कि मतलब इहदा की फायदा की होने वाला है, ओपरचुनिटीज होर वधनगियां? साडे विद्यार्थियों वास्ते जिहड़े प्लेसमेंट के पैकेज चंगे होणगे उन्हां वास्ते विदेशों में जिहड़ियां व्यवस्थावां ने चंगीआं होणगीआं, अध्यापकों वास्ते प्रोजैक्ट लैण च सहाई होणगीआं और पूरी स्टेट नूं पंजाब नूं फायदा होने वाला, क्योंकि जिहड़े विद्यार्थी देश भर चों जां विदेशों तों देश दीआं चोटी दीआं 30 यूनिवर्सिटियां चों किसी एक विच पढ़ना चाहुंदे आ, सुभाविक है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्हां दी लिस्ट दे विच हुण बिल्कुल लिखी होएगी और इत्थे आना चाहणगे। पंजाब की गल की, पंजाब होर भी यूनिवर्सिटीज़ है और तुम अज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अपील भी करते नज़र आए कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में कितने कितने मिल के काम करना चाहिए, किस तरह की अपील से क्यों मिल के काम कर, किस तरह का प्रदर्शन रहेगा अगर मिल के काम कर दें यूनिवर्सिटीज? देखो सुभाविक है कि जो संस्थावान ने ना, खास करके सिक्ख्या संस्थावान, ये समाज का एसेट ने, ये असासा समाज का है, बनाइया किसी ने हो किसी कोई बंदा हो तो शुरू करना काम। अगर समाज के असासे ने, समाज के एसेट ने, तो समाज वास्ते काम करना चाहिए। समाज वास्ते काम करने वास्ते अगर कंधे ने कंधा मिला के काम करा ज़्यादा करा, अगर कल कल काम करा
तो कितने ना कितने साड़ी लिमिटेशन रहेगी। मैं तो बेनती की उसके पिछले भावना यह कि असी समाज दस्यावान पहाड़ जिडिया व्डिया बहुत व्डिया समस्या समाज दियाँ वो किसी एक दे हल करने वाली नहीं है। वो सरकार भी लग जाए, संस्थावान भी लग जा, सारे लोग लग जा, की हर्ज है। अगर असी संस्थावान एजुकेशन चाहें तो एजुकेशन आने का मकसद है कि असं एक सोच लेके आए हैं। अगर वो सोच लेके आए, सोच तो यही है कि समाज में बेहतर बनाना, होर बेहतर बनाना, होर बेहतर बनाना। तो वो उस करके कहा कि असं मिलकर काम करिए। लास्ट सवाल मिला, तुम यूनिवर्सिटी का कुनबा होर भी वधान जा रहे हो, होर भी स्टेट्स अगर यूनिवर्सिटी बनाते? हाँ, इस तरह की चर्चा चल रही है जी। असं विचार कर रहे हैं कि असी कोई फ्यूचरिस्टिक कैंपस जोड़ा है असं एक बनाने का सोच रहे हैं, किस स्टेट के बनाव। शुक्रिया सर। सो यूनिवर्सिटी का कुनबा जोड़ा होर भी वधान जा रहा, नाल ही नाल उन्होंने अपील भी की संत साहब ने कि सारिया यूनिवर्सिटी जी पंजाबी चाहे वह प्राइवेट है चाहे वह गवर्नमेंट है, उन्होंने मिलकर काम करना चाहिए ताकि बेहतर प्रदर्शन जोड़ा कर सकन। कैमरामैन मनिंदर तिरी नाल दीपक शर्मा, MHO न्यूज़ चंडीगढ़।